हाय गाइस, वेलकम बैक टू दी अनदर सीरीज़ ऑफ कर्सिव राइटिंग। कल हमने सीखा था कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रोक एंड कनेक्टिंग स्ट्रोक, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। आई होप आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस की होगी बनाने की, तभी हम आगे शुरू करेंगे अल्फ़ाबेट्स बनाने। पहले हम स्मॉल अल्फ़ाबेट बनाएंगे, तो इसके लिए आपको ये कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रोक एंड कनेक्टिंग स्ट्रोक की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लेनी चाहिए। अगर अभी भी आपने नहीं की हुई है तो आप देखिए और आज से ही इसकी प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। अब हम बनाने वाले हैं इस कनेक्टिंग स्ट्रोक को। मैं एक बार आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ। ये देखिए कि मैंने कैसे बनाया है कनेक्टिंग स्ट्रोक। नीचे से ऊपर ले जाना है। हम लोग ये सब सिंगल लाइन कॉपी में कर रहे हैं अभी। ये देखिए, अब इस कनेक्टिंग स्ट्रोक से हम स्मॉल अल्फ़ाबेट्स बनाएंगे। पहला अल्फ़ाबेट जो बहुत ईजली बन सकता है अगर आपको कनेक्टिंग स्ट्रोक की प्रैक्टिस हो गई है, वो है सी। जी हाँ, लेटर सी। आप देख सकते हैं मेरे हैंड मूवमेंट को कि मैं कैसे कर रही हूँ। आपने कनेक्टिंग स्ट्रोक बनाया है और उसको फिर हम नीचे ला के थोड़ा सा उसे कर्व कर रहे हैं। उसके बाद सेकेंड अल्फ़ाबेट जो हम इससे बना सकते हैं वो है हमारा अल्फ़ाबेट ए। बहुत इजी है कनेक्टिंग स्ट्रोक ड्रॉ करके आपको ओवल शेप ड्रॉ करना है, एंड देन अगेन हाफ ओवल शेप ड्रॉ कर सकते हो आप। ये कर्सिव राइटिंग अपने बच्चों को खुद सिखा सकते हैं। नेक्स्ट लेटर जो मैं सिखाने जा रही हूँ वो है लेटर डी। ये देखिए, कनेक्टिंग स्ट्रोक ओवल और ऊपर से हमने उसको लेके नीचे ला रहे हैं। ये देखिए, कनेक्टिंग स्ट्रोक ओवल और ऊपर से फिर हम उसे नीचे ला रहे हैं। तो जो कनेक्टिंग स्ट्रोक है वो बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है बहुत सारे अल्फ़ाबेट बनाने के लिए। सो आज हमने सीखा है कौन कौन से लेटर्स, लेटर सी, लेटर ए और लेटर डी। आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, मैं भी करूँगी, अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊँगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।